गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सूरज शर्मा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सेज यूनिवर्सिटी में। नृत्य कला क्या होता है? जैसे कि हमने बात की थी कि मनुष्य जन्म से ही कलात्मक होता है, यानी सुख दुख क्रोध चपलता ये स्वभाव उसके अंदर जन्म से ही होते हैं, और इसीलिए जब मनुष्य अपने भावों को आंगिक क्रियाओं के द्वारा या उनके माध्यम से व्यक्त करने लगा, यानी कि जब वो अपनी इमेजिनेशन अपने थॉट्स को अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने बॉडी जेस्चर से लोगों तक पहुंचाने लगा, एक्सप्रेस करने लगा, अपनी खुशी को उल्लास में वो झूमने लगा, झूम के नाचने लगा, तो नर्तन क्रिया का जन्म हुआ और यही लयबद्ध थरकती क्रिया नृत्य क्रिया कहलाने लगी। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। प्राचीन काल में जब आपको मालूम है आदि मानव रहा करते थे, तो आदि मानव लोग जब कोई शिकार के लिए जाते थे, शिकार करने के लिए जंगलों में, तो कभी उनको शिकार मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लेकिन जब भी उनको शिकार मिलता था और कोई अच्छा बड़ा शिकार मिलता था, तो उसको लेकर वो पूरी फैमिली जो रहती थी उनकी, वो उसको एक डंडे पे लटकाती थी और उसको पकाती थी। और जब वो पक रहा होता था, क्योंकि वो उनके लिए, देखिए, उनके लिए सबसे बड़ी सक्सेस उनका शिकार मिलना और उसको मारना होता था, क्योंकि वही उनकी खान पान, उनकी जीवन यापन को आगे बढ़ाता था। तो इसी कारण से जब उनको वो मिलता था, उसको पकाने के दौरान उनकी जब कुकिंग की प्रोसेस जो होती थी, उसके इर्द गिर्द गोल आकार बना के, यानी सर्कल बनाकर वो लोग झूमते थे, नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, ठीक है। और उस समय उसी झूमने, मतलब किस तरह से झूम रहे हैं, वो नाच गा रहे हैं अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए कि हमें सक्सेस मिली है, और उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए वो लोग एक सर्कल बना के डांस करते थे। तो ये डांस तभी से शुरू हो गया, तभी से अपनी खुशी को व्यक्त करता हुआ डांस नृत्य कला ने जन्म दिया और वो नर्तन क्रिया में बदल गई। और इसी प्रकार खुश होकर उमंग भर के थिरकने की कला ने धीरे धीरे नृत्य कला का रूप धारण कर लिया। और अगर यही खुशी को हम आज से कंपेयर करें, यानी प्रेजेंट डे से हम अगर कंपेयर करें, तो आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी शादियों में ये नृत्य कला का उपयोग किया जाता है। जब हमारे यहाँ त्यौहार बनते हैं, गणेश जी का आगमन और गणेश जी का विसर्जन तक ये नृत्य कला चलती रहती है। दुर्गा जी बैठे या बहुत सारे त्यौहार हैं, भजनों पर ये नृत्य कला उपयोग में लाई जाती है। तो ये नृत्य कला आज भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जीवित है, कहीं ना कहीं इंसान अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए डांस को आज भी जीवित रखा है, आज भी अपने डांस में अपनी खुशी को एक्सप्रेस करता है। बल्कि इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, तो हर जगह इसी तरह से नृत्य कला का जन्म हुआ। और उस जन्म के साथ साथ जैसे जैसे ग्रोथ होती गई पूरे वर्ल्ड की, वैसे वैसे इस डांस फॉर्म का भी डेवलपमेंट होता गया। अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ डांस, नृत्य कला के कितने प्रकार होते हैं। तो नृत्य कला के दो प्रकार होते हैं, एक होता है लोक नृत्य और दूसरा होता है शास्त्रीय नृत्य। इस शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य कैसे हुआ, कहां से आया, कैसे बना, हम इस बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि लोक नृत्य क्या होता है और इसका ओरिजिन क्या है। तो अगर हम बात करें विलेजेस में, गांव में जब नृत्य हुआ करता था, कैसे नृत्य हुआ करता था, जब कोई पुत्र जन्म होता था या फिर शादियां होती थी, ठीक है, या उनके लिए जो भी खुशखबरी की बात होती थी, तब वहां नृत्य किया करते थे।
जैसे कि अपने मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से आदि मानव नृत्य करते थे, सेम आज के टाइम पे भी जब गांव में कुछ भी अच्छा होता था, कुछ भी इंटरेस्टिंग होता था, तब वो नृत्य किया करते थे। और वही नृत्य कला ने अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया और इसी नृत्य ने आगे जाकर लोक नृत्य का रूप ले लिया। कैसे? जब पंजाब में कोई नृत्य हुआ तो आगे जाके उसी नृत्य ने भांगड़ा बना दिया, गिद्दा में आ गया। राजस्थान में हम कहलाने लगे घूमर, कालबेलिया, ठीक है। महाराष्ट्र में लावणी आ गए, गोंधल आ गए। फिर अगर हम अपने मध्य प्रदेश को ही देखें तो मध्य प्रदेश में राई, बधाई, ये सब लोक नृत्य से ही बने हैं। मतलब गांव के उस नृत्यों से ही इन नृत्यों का, लोक नृत्य का जन्म हुआ है। लोक नृत्य किसी नियम से बंधे हुए नहीं रहते थे, इनमें ना ही कोई निर्धारित मुद्राएं होती थी और ना ही अंगों का कोई निश्चित परिचालना रहती थी। यानी कि ना ही कोई जैसे किसी ने बोल दिया कि आपको ऊपर ही हस्तक लेना है, ऊपर ही हाथ उठाना है, या फिर आपको नीचे से हाथ ऐसे घुमाना है, ना अंगों का संचालन हम जैसे करते हैं, मुद्राएं बनाते हैं, तो कुछ ऐसे ही सिस्टमेटिक मुद्राएं इनमें नहीं हुआ करती थी, ठीक है। ना ही ये नियम, और इन्हीं को बोलते हैं रूल्स में बंधे हुए होना, कि आपको इतनी मात्राओं में नृत्य करना है, इतनी मात्राओं में अपने हाथों को ऊपर ले जाना है, इतनी काउंटिंग्स पे, इतनी बीट्स पे आपको हैंड मूवमेंट को घुमाना है। तो ये एक बोल देते हैं कि एक नियम में बंधा हुआ जाना। इसे प्राचीन काल में देसी नृत्य के नाम से जाना जाता था, जो आज हम फोक डांसेस यानी लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। हमारे देश में लोक नृत्य की अपनी एक प्रसिद्ध परंपरा रही है। इसके अलावा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस नृत्य कला को अति गंभीरता से लिया और उसे एक सर्व सुखदायिनी विद्या के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, और इसके लिए उन्होंने सर से लेकर पैर तक, इवन हमारे शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग उपांग का पूरा पूरा अध्ययन किया और उसे नियमबद्ध करके ये निर्धारित किया कि कौन सा अंग या कौन सा हस्तक हिलाने डुलाने से कौन सा भाव प्रकट किया जा सकता है। यानी कि हमारे शास्त्रों ने लिखा कि हाथ को ऊपर ले जाना या पीछे ले जाना, या इसको घुमाना या साइड में ले जाना, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन साइड, ठीक है, हमारी आंखों को घुमाना, हमारे लिप्स को मूव करना, हमारी गर्दन को चलाना, हमारे पैरों को चलाना, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा। इसके अलावा भी उन्होंने पूर्ण शरीर के अलग अलग अंग भंगिमाओं और भावों का निर्माण कर, मुद्राओं का निर्माण कर, अलग अलग ग्रंथ की रचना की। और कह सकते हैं कि इस प्रकार जब नृत्य भावों को प्रकट करने लगा, अंगों के द्वारा एक्सप्रेस करने लगा अपने भावों को, और उसमें समर्थ हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ने लगी और कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ने लगी। यही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता हुआ, यानी कि नियमों में बंधा हुआ नृत्य प्राचीन काल में मार्गी नृत्य से जाना करता, और आज हम इसे क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में नृत्य का विकास दो रूपों में हुआ है, एक फोक डांस लोक नृत्य और एक क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य। तो हमारे नॉलेज को, हमारी स्टडी को जो फॉलो करता हुआ आ रहा है वो है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। थैंक यू सो मच।